एक ओर जहां देश राज्य बिहार और कोरोना की मार से जूझ रहा है, वहीं कोरोना की नाम पर बांका जिले में कई अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिक चल रहे हैं और जिले का स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुए है। एक मामला आया है बांका नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के बीच में लीलावती हेल्थ सेंटर का, जो 22 अक्टूबर 2019 से ही चल रहा था। बीती रात 18 मई को लीलावती हेल्थ सेंटर ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली और प्रशासन के डर से भागलपुर मायागंज अस्पताल में लाश को फेंक कर बन गया अनजान। मीडिया में जब बातें खुलकर आई तो जिला प्रशासन आनन फानन में अपने को लाचार होते देख बांगा के SDM को अपनी पुलिस प्रशासन के साथ और हेल्थ केयर सेंटर को कर दिया सील। ज्ञात हो कि शंभुगंज थाना क्षेत्र के शगुनी गांव की गर्भवती महिला कृष्णा देवी अपना इलाज कराने सबसे पहले सदर अस्पताल गई थी। डॉक्टर के नहीं मिलने से अस्पताल की एक ममता दलाल दीदी ने लीलावती सेंटर ले गई और शंभुगंज बंधुड़ी की रहने वाली सिंधु देवी नामक नर्स तथा गुड्डू कुमार धनावरण कटोरिया का रहने वाला कंपाउंडर ने पैसे कमाने के चक्कर में महिला का कर दिया ऑपरेशन। नवजात बच्ची तो बच गई, लेकिन खून के अधिक रिसाव के कारण कृष्णा की मौत हो गई। इस प्रकार बांका जिले में कई जगहों पर अवैध नर्सिंग होम क्लिनिक चल रहे हैं तथा कई की जान गए जा रही है, फिर भी जिला प्रशासन अपने को चुप्पी साधे हुए है। कुछ लोगों का कहना है कि अमरपुर कौशलपुर में पदस्थापित सुलोचना कुमारी सिंह ने लीलावती हेल्थ केयर सेंटर में आती जाती रहती हैं और हमेशा मरीजों की तलाश में बैठी रहती हैं। सच देखा जाए तो सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। मरीजों को बराबर मायागंज भागलपुर का भय दिखाकर मरीजों को भेजा जाता है और अवैध नर्सिंग होम कई सालों तक चल रहा है धंधा। ज्ञात हो कि बांका जिले के सरकारी अस्पतालों में किसी जाति विशेष का प्रबंधक पे है कब्जा। मृतका के पिता विजय पासवान, जो तारडी अमरपुर का रहने वाला है, ने बताया कि अपनी पुत्री का पता नहीं लगने पर बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन आगे क्या लेता है फैसला, किस किस हेल्थ सेंटर और नर्सिंग होम में हम कर सकते हैं सील। कैमरामैन के साथ बांका से विकास कुमार की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। क्या दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत परेशान हो गया, कहलो लौं बा हॉस्पिटल हॉस्पिटल ना कहीं यहाँ या अल्ट्रासाउंड करेब कि यहाँ मैडम भी अल्ट्रासाउंड ना होते बहन जी कि का बनल के करोना जांच करल के बस आशा मिले वही करबल के सब। की नाम चला आशा के? काकर नाम भूल ही गेलिए मैं। कहां का आशा? यहाँ के हॉस्पिटल है। अच्छा ठीक है। उसके बाद चलो हम प्राइवेट में करा देते हैं अल्ट्रासाउंड। वहीं गेले करा कहानी का है डॉक्टर फोन लगा या जहाँ भर्ती करा दिल के और अब चल ही गेले। अत्य देरी से बच्चा काली के दे दिल को और अत्य देरी से बेटी की काल को मैं से। अच्छा ये बताबो तो डॉक्टर के नाम जाना है तो डॉक्टर और नाम की ना के लिखना के नाम जानता ना है कंप्यूटर का नाम जमा करना। कितना जमा दिए थे? और बात कितना में था? 24,000 में ना। टोटल पैसा 24,000 देना है?